देश के मुसलमानों को भड़काने के मामले में जम्मू कश्मीर से एक ऐसे व्यक्ति को वहां की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है। इस पीएचडी स्टूडेंट का नाम अब्दुल आला फाजिली है। इसने एक ऑनलाइन मैगजीन में ऐसा आर्टिकल लिखा जिसमें कश्मीर में अलगाववाद के समर्थन में और देश विरोधी बातें लिखी थी। फाजिली ने यह आर्टिकल 2011 में लिखा था। इसने इस आर्टिकल में जो देश विरोधी बातें लिखी थी उसके मुताबिक कश्मीर में 1947 में 2.5 लाख मुसलमानों की हत्या को भूलेंगे नहीं, 1965 से 1989 के बीच हजारों हत्याओं को नहीं भूलेंगे, 1989 से 2010 के बीच 1 लाख मुसलमानों की हत्या नहीं भूलेंगे। इसने लिखा, हमारी आज़ादी के सपने का कत्ल नहीं किया जा सकता। कश्मीर में भारत का मनोबल टूट गया है, आत्मविश्वास डगमगा गया है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अब इस दावे पर कोई यकीन नहीं करता। अब्दुल आला फाजली कश्मीर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है और देश के पैसे से कर रहा है। एक तरफ दिमाग में इतना जहर है और उसको पढ़ने की फंडिंग हमारे आपके टैक्स के पैसे से हो रही है। पीएचडी करते हुए जो फेलोशिप मिल रही थी वो कहां, मैं जो पढ़ाई कर रहा है उसमें आप देखिए, देश के खिलाफ दिमाग में इतना जहर है और उसको मिल क्या रहा है। यूजीसी जो होता है, यूजीसी की मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप मिल रही है उसको। क्यों भाई, क्यों मिल रही है? तुम्हें इंडिया में भरोसा नहीं, तुम्हारे फेलोशिप का पैसा हम भरेंगे। 5 साल तक 30,000 रुपया महीना फेलोशिप मिल रही है, पर मंथ मिल रहा है इसको। क्यों भाई, हाँ, यानी अगर 5 साल में आप देखेंगे तो इसको फेलोशिप के नाम पर 18 लाख रुपए आपके और हमारे टैक्स से मिले हैं। किस बात के लिए? इंडिया को गाली देने के लिए। मार्च 2021 तक ये रकम मिलती रही। बीएससी, बी फार्मा, एम फार्मा कर चुका है। 18 लाख रुपए मामूली रकम नहीं है। जांच एजेंसी के मुताबिक अब्दुल आला फाजली का आर्टिकल बहुत भड़काऊ। आर्टिकल में आजादी का बार बार जिक्र किया गया है। कमाल की बात है, 18 लाख यहां से लोगे और आजादी भी चाहिए। आर्टिकल की भाषा भड़काऊ है, देश विरोधी है। आर्टिकल का मकसद कश्मीर में अशांति फैलाना है। यह आर्टिकल केवल प्रचार के लिए नहीं लगता, पाकिस्तान प्रायोजित अलगाववाद नीति का पक्ष लेता है। इन आरोपों के आधार पर अब्दुल फाजली को गिरफ्तार किया गया, जबकि जिस मैगजीन में उसका आर्टिकल छपा उसके एडिटर को भी अरेस्ट किया गया। अब याद करिए, गोरखपुर मठ पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी। मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को गोरखनाथ मठ में हमला किया था। वो कहां का पड़ा हुआ था? आईआईटी बॉम्बे का पड़ा हुआ। जांच में मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आने की बातें हुई। अब आप जरा दोनों की तुलना कीजिए, मुर्तजा और अब्दुल फाजली की। क्या अंतर है? दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन दिमाग में वही जहर भरा हुआ है। इतने कट्टर विचार और देश विरोधी सोच वाले इन युवाओं की पढ़ाई पर टैक्सपेयर्स का कितना पैसा खर्च होता है, यह आपको जानना चाहिए। यह जो मुर्तजा अब्बासी है, जो भाई साहब कटार लहरा रहे थे और हमला कर रहे थे, यह मुर्तजा, यह कहां का पड़ा हुआ है? मुर्तजा अब्बासी यह पड़ा हुआ है आईआईटी बॉम्बे का, और इसकी पढ़ाई में जो खर्च हुआ जरा देख लीजिए। बीटेक का कोर्स किया इसने 4 साल के लिए। बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। सालाना 9 लाख रुपए खर्च होते हैं, 9 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं। ऐसे में 4 साल में करीब करीब मान के चलिए जो एवरेज है वो 36 लाख से ज्यादा खर्च हुआ इस आदमी पर, जिसको देश में कटार लहरानी है, उसको 36 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए गए, उधर 18 लाख क्योंकि आईआईटी बॉम्बे को केंद्र से सालाना 652 करोड़ रुपए का फंड मिलता है। अब बताइए, 36 लाख किसी कायदे के आदमी पर खर्च हुए होते तो देश के काम आता। हथियार ही चलाना था, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके प्रोपेगेंडे में ही फंसना था, तो आईआईटी बॉम्बे की सीट क्यों बर्बाद की भाई। उधर अब्दुल आला फाजली कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, वहां पढ़ाई कर रहा है, टैक्सपेयर का पैसा खर्चा कर रहा है, देश से अलग होने की बातें करता है। यहां ये भाई साहब 36 लाख रुपया खा गए देश का,
कटार चला रहे हैं। 15,000 के करीब छात्र वहां कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और एक छात्र पर सालाना 1.5 लाख रुपए का खर्च। 2016 से अब तक लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। हमारे और आपके पैसे से पढ़ाई करने वाला मुर्तजा और फाजली देश के लिए कुछ करना तो दूर, देश तोड़ने और मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कोई भी हिंसा हो, दंगा हो, बचाव में अक्सर यह कहा जाता है ये तो भटके हुए युवा। कैसे भटक जाते हैं भाई, यही लोग भटकते हैं। दिल्ली में 2020 में एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ जिसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। पुलिस पर पिस्तौल ताने हुए युवा शाहरुख की तस्वीर वायरल हुई। बचाव में क्या कहा गया था, वो भी भटक गया। अब आप बताइए, ये भी भटका हुआ है, ये सोनू चिकना निकला है, ये भी भटका हुआ है, सब भटके हुए हैं। देश का पैसा अपनी पढ़ाई में खर्च करवाते हुए ये लोग नहीं भटकते। कौन सी फेलोशिप लेनी है, कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है, इसमें एकदम पता है, उसमें सर्च हो जाता है। देश के काम आने की बात आती है तो उसमें भटक जाते हैं, उसमें बंदूक उठा लेते हैं। याद करिए हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी को, जिसके एनकाउंटर के बाद कहा गया था कि वो हेडमास्टर का बेटा है, भटक गया। कहानी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ये लोग भाई कि हेडमास्टर का बेटा था। ये जो लिबरल्स हैं, इन्होंने देश का जितना कूड़ा और नरक किया है ना, और किसी ने नहीं किया। अभी ये जो पुष्पा वाला भाई अंदर गया हुआ है जहांगीरपुरी वाले मामले में, उसके पड़ोसी से किसी तरीके से कुछ लोग जो है वो निकलवा के ला रहे हैं। बहुत संत आदमी, ये संत के लक्षण है। पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, पुष्पा बन रहा है, ये संत के लक्षण दिख रहे हैं आपको। कोई अच्छे घर का ढंग का आदमी होगा, उसका बुखार छूट जाएगा कि मैं पुलिस कस्टडी में जा रहा हूं। लेकिन मीडिया का एक वर्ग लगा हुआ है कि कैसे हम इसको साबित कर दें कि ये तो संत था, इसको जबरदस्ती पकड़ लिया गया। संत की जरा लाइफस्टाइल देख लीजिए। दिक्कत क्या है, हर बार इन थ्योरीज की पोल भी खुल जाती है, जिसके बाद ये जोड़ दिया जाता है कि मासूम युवा भटक जाते हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है, कोई पूछ रहा है? पड़ोसी में जाके पूछना चाहिए ना भाई कि कबाड़ी का काम करते हो, इतना पैसा कैसे कमाते हो? नहीं, तुरंत शुरू हो जाना, लग जाना है ढकने में। मुर्तजा के मामले में यही हुआ था, कुछ लोगों ने आर्टिकल छापना शुरू किया था। आईआईटी बॉम्बे, एक्स आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट जो है वो हमला करता पकड़ा गया, मुर्तजा का नाम भी नहीं लिख रहे, ये प्रोपेगेंडा है। और इससे जितना नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं, उतना ही नुकसान ऐसी मीडिया पहुंचाती है।